गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे आई विल डिस्कस अबाउट एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। दिस वीडियो इज फॉर क्लास 7 एंड वीडियो पार्ट इज 19। सो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इज द टर्म यूज टू डिस्क्राइब द सॉफ्टवेयर दैट परफॉर्म सम a specified task for the user. A student's application software एक ऐसा टर्म है जिसका प्रयोग किया जाता है बताने के लिए कि सॉफ्टवेयर जो है that performs some specified task, जो कि विशेष तरह के टास्क को यह परफॉर्म करता है यूजर्स के लिए। भिन्न भिन्न प्रकार के सॉफ्टवेयर्स मार्केट में अवेलेबल हैं जो अलग अलग कामों को अंजाम देते हैं। अ प्रोग्राम रिटेन फॉर ए स्पेसिफिक पर्पस कुड बी टर्म एज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एक ऐसा प्रोग्राम जो कि विशेष उद्देश्य के लिए लिखा जाता है, उसको बनाया जाता है और यह एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर भी होता है और इसको एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के रूप में हम लोग जानते हैं। तो अलग अलग सॉफ्टवेयर्स अलग अलग विशेष उद्देश्य के लिए बनाया है। जैसे मैं स्प्रेडशीट आप देख सकते हैं जो कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल शीट के रूप में भी जाना जाता है। बैंकिंग एप्लीकेशन जो बैंकिंग के लिए है, रेलवे बुकिंग प्रोग्राम एक्सेट्रा, और ऐसे बहुत सारे हैं। जैसे टैली हो गया अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर के रूप में हम जानते हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आर टू टाइप्स, इसके दो प्रकार हैं। एक स्टैंडर्ड प्रोडक्ट जो कि यूनिवर्सली रिकॉग्नाइज्ड होता है, जो कि बड़े पैमाने पर हर जगह अवेलेबल हैं। एग्जाम्पल के तौर पर आप देख सकते हैं एमएस ऑफिस, फॉक्स प्रो, ओरेकल, और ये जो सेकेंड आप देख रहे हैं नॉर्मल प्रोडक्ट, यह एक स्पेशल पर्पस होता है इसका। यहाँ पर एग्जाम्पल दिए गए हैं पेरोल, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम एक्सेट्रा। ये सब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आते हैं जिसमें हम बहुत सारे सुविधाओं को लाभ उठा सकते हैं इन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को यूज़ करके। तो यहाँ पर जो मैंने चैप्टर 3 में जो भी मैंने पढ़ाया उसको कंक्लूजन मैंने यहाँ पर आपके सामने रखा है। आप इसको ध्यान से देखेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। द डिवाइसेज आर कैटेगराइज इनटू 3 ग्रुप्स, जो भी डिवाइसेज हैं उनको, यानी मैं कंप्यूटर डिवाइसेज के बारे में बात कर रहा हूँ, उनको कैटेगराइज किया गया है 3 समूह में, इनपुट स्टोरेज एंड आउटपुट डिवाइसेस। यहाँ पर द इनपुट डिवाइसेज आर यूज टू इनपुट द डेटा, आपको पता ही है, आपको पढ़ाया गया है कि जो इनपुट डिवाइसेज होते हैं वो इनपुट करने के लिए, डाटा को इनपुट करने के लिए इनका प्रयोग में लाया जाता है। उदाहरण स्वरूप यहाँ देख सकते हैं कीबोर्ड, माउस, MICR, इसके बाद OMR है,
ऑप्टिकल मार्क रीडर, VCR, स्कैनर, लाइट पेन, टच स्क्रीन, ट्रैक बॉल, जॉयस्टिक एक्सेट्रा। द स्टोरेज डिवाइसेज आर क्लासिफाइड इंटू टू टाइप्स, फर्स्ट प्राइमरी एंड सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेज। इसके बाद दोनों को हम लोग देखेंगे। यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं प्राइमरी स्टोरेज इज ऑफ टू टाइप्स, तो प्राइमरी स्टोरेज को यहाँ कैटेगराइज किया गया है, एक रैम और दूसरा रोम। रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी, रोम रीड ओनली मेमोरी, ये दोनों को डिस्कस कर दिया गया है पिछले क्लास में और इसके पहले वाले वीडियो में। तो रैम इज ए टेम्पररी मेमोरी और वोलाटाइल मेमोरी भी इसको बोला जाता है, वेयर है, जबकि रोम जो है वो परमानेंट मेमोरी के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट है पॉइंट में सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस, जो कि कुछ यहाँ पर एग्जांपल दिए गए हैं, मैग्नेटिक टेप्स, फ्लॉपी डिस्क, हार्ड डिस्क, सीडी रोम एंड जिप ड्राइव। आगे है द आउटपुट डिवाइसेस आर यूज्ड टू गेट द प्रोसेस्ड इंफॉर्मेशन। आउटपुट डिवाइसेस का जो प्रयोग किया जाता है प्रोसेस्ड इंफॉर्मेशन को पाने के लिए, इसके एग्जांपल्स दिए गए हैं मॉनिटर्स, प्रिंटर्स, प्लॉटर्स एक्सेट्रा। नेक्स्ट पॉइंट में दिया गया है कि द नेटवर्किंग डिवाइसेस सच एज मोडेम, एडेप्टर आर यूज्ड फॉर क्रिएटिंग द नेटवर्क। यानी यहाँ पर जो मैंने नाम लिया वो नेटवर्किंग डिवाइसेस थे, मोडेम जिसको फुल फॉर्म है मॉड्यूलेटर एंड डीमॉड्यूलेटर, और एडेप्टर, ये सारे डिवाइसेस का नेटवर्किंग को सेटअप करने के लिए यूज किया जाता है। और फाइनली लास्ट पॉइंट को हम लोग देखेंगे, तो यहाँ पर दिया गया है कि मल्टीमीडिया डिवाइसेस आर यूज्ड टू एनहेंस द क्वालिटी एंड आउटपुट ऑफ ऑडियो एंड वीडियो। यानी मल्टीमीडिया डिवाइसेस का जो प्रयोग करते हैं वो ऑडियो एंड वीडियो को क्वालिटी को इन्हेंस करने के लिए, उसको बढ़ाने के लिए। दैट्स ऑल।